जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए बहुचर्चित रेप कांड में फैसला आ गया है। कुल मिलाकर इन दरिंदों को फांसी की सजा नहीं दी गई है, लेकिन इस पूरे देश में चर्चा का विषय बने कठुआ हत्याकांड के जो तथ्य सामने आए हैं उनको देखकर यही लग रहा था कि इन दरिंदों को फांसी की सजा होगी। लेकिन तीन दरिंदे हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और तीनों पर अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का आरोप सिद्ध पाया गया है। कुल मिलाकर बच्ची की मां ने भी यह कहा है कि यह इंसाफ अधूरा है, दोषियों को सजा होनी थी। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण के अंदर जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं और वे बताते हैं कि दरिंदगी किस हद तक जा सकती है। यहाँ के घुमंतू संप्रदाय के एक मुस्लिम परिवार की लड़की जिसकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी, वह पशुओं को चराने के लिए पास के ही जंगल में गई थी और वहीं पर उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद उसे एक मंदिर में रखा गया जहां लगातार उसके साथ गैंगरेप किया गया। उस लड़की को अपहरण करने के बाद बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए, उसकी पिटाई की गई और फिर बहरामी से उसके साथ बलात्कार किया गया। कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे प्रकरण में 2 पुलिस वाले, 1 मंदिर का पुजारी, 1 SPO और अन्य 3 शामिल थे। इस पूरे मामले में उस समय कठुआ कांड को लेकर पूरे देश में चर्चा हुई थी और यह कहा जा रहा था कि क्या किसी भी संप्रदाय में बदला लेने के लिए दरिंदगी की इस पराकाष्ठा तक भी पहुंचा जा सकता है। जी हाँ, आइए अब देखते हैं इसके किरदारों को जो दरिंदगी की हद पार गए कर गए। सांझीराम ये पुजारी है, इसने मंदिर में ही बच्ची को 3 दिन तक बंधक बनाए रखा और इसी के कहने पर बच्ची को अगवा किया गया था। 3 दिन तक मंदिर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ और फिर इसी ने बच्ची की हत्या करा दी। दीपक खजूरिया SPO, हत्या से पहले इस दरिंदे ने उस 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला घोट कर हत्या कर दी। शिनाख्त मिटाने के लिए उसका चेहरा भी पत्थर से कुचल दिया। प्रवेश कुमार, इसी की गाड़ी में बच्ची का शव जंगल ले जाया गया था। जी हाँ, बच्ची का शव जंगल ले जाने के लिए इसी की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ और बताया जा रहा है कि इसने भी दुष्कर्म किया और हत्या में यह भी शामिल रहा है। एक और दरिंदा है जिसका नाम है आनंद दत्ता, ये ऐसा ही है। इसने आरोपियों से 4 लाख रुपए लेकर केस बिगाड़ने की कोशिश की। 3 किश्तों में इसने 4 लाख रुपए लिए। बच्ची के कपड़े फॉरेंसिक लैब में भेजने से पहले धोए और इसने झूठे साक्ष्य भी तैयार किए। एक और दरिंदा है तिलक राज, जो हेड कांस्टेबल है। इसने भी रिश्वत लेकर सबूत मिटाए, पैसे लेकर बच्ची के कपड़े खुद धोए, कई सबूत नष्ट किए और बच्ची को नशीली दवाइयां देकर चोट भी पहुंचाई। आइए एक और दरिंदे के बारे में जानते हैं। इसका नाम है सुरेंद्र वर्मा SPO। इसने सबूत मिटाने में साथ दिया, सबूत नष्ट किए, इसने भी नशीली दवा उपलब्ध कराई और जांच अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की। कुल मिलाकर पूरा का पूरा प्रकरण बेहद दरिंदगी से भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि मानवीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.